हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं टू व्हीलर टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये महा एफजेड आरआर के बारे में, उसकी माइलेज सेटिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में आपको अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। मैं ये बताऊँगा आपको कि जो कंपनी की फिटिंग होती है, जो कंपनी की एयर मिक्सचर की सेटिंग होती है, जो जितना कंपनी करके देती है उसके बारे में, कि कंपनी कितनी चूड़ी उसकी खोल के देता है एयर स्क्रू की। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इतनी चूड़ी रखनी है तो आपकी बाइक अच्छी माइलेज दे पाएगी। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है यमहा एफजेड आरआर वर्जन 2। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो कार्बोरेटर की सेटिंग है, ये एयर मिक्सचर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये निशान लगा हुआ है और ये जो अंदर स्क्रू है इस पर भी लगा हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसको कितना आपको अंदर इसकी चूड़ी टाइट करके कितनी खोलनी है। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसको टाइट करेंगे, देखेंगे कि कितनी चूड़ी ये खुला हुआ है और फिर आपको मैं बता देता हूँ कि इतनी चूड़ी आपको रखनी है। तो मैं आपको बता दूँ, ये एफजेड आरआर वर्जन 2 है और जो दूसरा है एफजेड आर, वो भी सेम इसमें कार्बोरेटर यूज हुआ है। कोई कार्बोरेटर में फ़र्क नहीं है। कोई भी एफजेड आरआर बाइक हो, उसकी आप इतनी ही चूड़ी रखेंगे तो आपको माइलेज अच्छी मिल पाएगी। तो मैं बता देता हूं आपको। तो इसमें मैं आपको बता दूं, सिर्फ इंजन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। ये 149 cc और जो पुराना एफजेड आर है वो 153 cc का है। तो ये कार्बोरेटर की सेटिंग जो है वो सेम ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो चलिए इसको हम टाइट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी चूड़ी इसकी है बाहर खुली हुई। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर निशान लगा हुआ है और ये इसमें लगा हुआ है। तो चलिए हम पूरी चूड़ी इसकी घुमा लेते हैं। तो आपको अंदर को टाइट करनी है, तो देखते हैं यहाँ से कितनी चूड़ी अंदर को टाइट करनी है। ये हो गई एक, फुल राउंड आपको घुमाना है। ये हो गई एक और ये हो गई दो, और ये हो गई तीन, तो फ्रेंड्स ये तीन पे एंड है। तीन से कुछ ज़्यादा इधर आ गया है स्क्रू, यानी कि इसको 3.25 कह सकते हैं हम। तीन से कुछ हल्का सा ज़्यादा, मैं आपको नज़दीक से दिखा दूं, ये यहाँ पे निशान है और ये इसका यहाँ पे आया हुआ है। तो ये तीन से कुछ ज़्यादा है। तो अब मैं आपको खोल के दोबारा, ये देख पा रहे होंगे अब ये पूरा टाइट है। अब मैं आपको दोबारा खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम बैक वापस आते हैं, गिन लेते हैं दोबारा से। तो फ्रेंड्स, ये वापस आते हैं हम, एक और ये दो और ये तीन। तो फ्रेंड्स, इसमें तीन से कुछ ज़्यादा था। तो मैं आपको बता दूं कि इसको आपने तीन से कुछ हल्का सा ज़्यादा कर देना है, प्रॉपर इसकी अच्छी सेटिंग बैठ जाएगी। जैसे जो कि कंपनी की जो फिटिंग होती है, सेटिंग इसकी होती है, वही आपकी बाइक में हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, ना ही कुछ बाइक स्टार्ट करनी, ना ही कुछ करना है। आपको तीन चूड़ी खोलना है, फिर उससे हल्का सा 3.25 कर देना, यानी कि तीन चूड़ी से थोड़ा सा फालतू कर देना है और आपकी सेटिंग अच्छी तरह से बैठ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद।